वकार यूनस जो है, अगर आपको खबरों में रहने का वकार साहब शौक है तो वैसे बता दे, खबरों में आपको वैसे ही रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। वकार यूनस बहुत बड़ा नाम दुनिया का, और उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना, एक कंट्रोवर्सी वाली चीज क्रिएट करना, जहां माहौल इतना अच्छा जा रहा हो, जहां इंडिया से पाकिस्तान के प्लेयरों की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। लेकिन आप ट्वीट कर रहे हैं कि इंडियन टॉप ऑर्डर जो है वो मस्ट बी रिलीव्ड ऑफ शाहिन शाह, जब बुमराह इनका नहीं था, जब विराट कोहली नहीं था, कई प्लेयर नहीं थे, तो फिर इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि रिलीव हो गए, फलाना नहीं है। यह तमाशा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, चार पांच पीछे छोड़ दिए ट्विटर के ऊपर, उनका सारा दिन काम है, वो सारा दिन उठते हैं, वो एक एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो एक आर्टिकल पढ़ते हैं, वो एक एक ट्वीट पढ़ते हैं, और उनका सारा दिन काम है कि वो सारा दिन इनडायरेक्ट लोगों को ताने। मैं बलन गांगवे बाल कहता हूं कि ये रेलू कट्टे है जिसकी जरूरत है लगा दे मुझे फांसी। आई थिंक विकी भाई, मुझे बहुत फील हुआ आपकी तरफ से इस तरह का एक स्टेटमेंट आना, आपकी तरह आपके आपके जैसे प्लेयर और एक इंसान की तरफ से इस तरह का एक कंट्रोवर्सियल होना, आई डोंट बिलीव इट। और ये है यानी पुपुआ होती है ना, जो घर बैठे बैठे बोलती है वो उसकी बेटी ने फलां कर लिया, उसके बेटे ने तो निकम्मा हो गया, मैंने कहा आपकी जॉब क्या है, आपको पुपु बस वो पुपु बनना है, वो सारा दिन पुपु वाला काम करते हैं सर, वो सुबह से लेके शाम तक वो सारा लेटर जमा करते हैं और वो इंडायरेक्ट ताने मारते हैं लोगों को। अरे यूनुस साहब, आप मेहरबानी करें इस कॉम पे कि हमें माफ कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल वकार यूनुस ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो वकार यूनुस है, ये पहले से ही ऐसे ही भारत के खिलाफ बातें बोलते आ रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ा, और ये मुझे बहुत खुशी हुई, ना कि इंडिया को हराने से, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इस तरह से उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में ये लिखा है कि शाहीन आफरीदी मतलब एशिया कप से बाहर होने के बाद भारतीय जो है वो खुशी मना रहे हैं। तो क्या ऐसा मतलब कोई भी भारतीय कल आपको खुशी दिखा? मेरे जो कल मैंने वीडियो डाला था, उस कमेंट सेक्शन में भी आकर लोग बोल रहे थे कि शाहीन आफरीदी आउट हो गया और उसमें अब मजा नहीं आएगा। लेकिन वकार यूनुस को तो आप जानते हैं, ये सीरियल ऑफेंडर हैं और उनके बारे में क्या कहा जाता है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया ने उनको जमकर लताड़ लगाई है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान मीडिया ने वकार यूनुस को जमकर पहला है। वकार यूनुस जो है, अगर आपको खबरों में रहने का वकार साहब शौक है तो वैसे बता दे, खबरों में आपको वैसे ही रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ट्वीट कर रहे हैं कि इंडियन टॉप ऑर्डर जो है वो मस्ट बी रिलीव्ड ऑफ शाहिन शाह, जब बुमराह इनका नहीं था, जब विराट कोहली नहीं था, कई प्लेयर नहीं थे, तो फिर इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि रिलीव हो गए, फलाना नहीं है। दे आर रेडी, और मेरा ख्याल है ऐसी बेवकूफाना है मकाना बिलो द बेल्ट एवरेज सतही, ऐसी बात वकार साहब आपको नहीं करनी चाहिए। ये शाहिन शाह अफरीदी का देखे, इतने बेशरम है ये पीसीबी वाले, इतने बेहया है ये, इतने कोई बेशरम लोग है, तख्तेदार पे लटकूंगा, वहां भी सच बोलता रहूंगा कि ये रेलू कट्टे हैं, ये रेलू कट्टे हैं, ये रेलू कट्टे हैं, ये रेलू कट्टे हैं, और इनका सरदार है जो कंटेनर पे रेलू कट्टे करता था। देखे जो वकार यूनुस ने ट्वीट किया कि जनाब अब इंडियन टॉप ऑर्डर जो है रिलैक्स होगा, तो कितनी दफा इंडिया वालों ने बोल्ड और क्या कहते हैं स्टार और हेजलवुड और कमिंस और एंडरसन ब्रॉड पॉट्स, और कितनी दफा जनाब उन्होंने मुरलीधरन और ये जितने भी मैकग्रॉ शेन वॉन्स इधर वसीम वकार शोएब अख्तर मोहम्मद जाहिद, कितनी दफा इंडिया वालों ने आपसे कहा है कि जनाब हम नहीं खेल सकते। यार वकार यूनुस साहब, आप मेहरबानी करें इस कॉम पे कि हमें माफ कर दें। ये बेवकूफ है क्रिकेट बोर्ड वाले जो आपको बार बार लाते हैं, हमारे सरों पे मुसल्लत करते हैं, हम बेवकूफ नहीं है। ऐसी बात करें जो अकल में अकल शरीफ में आए, ऐसी बेवकूफाना जो बातें हैं वो मत करें जिससे आप जो है वो दुनिया में एक्सपोज हो जाए। पहले भी आपने बेवकूफाना बयान दिया, वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, कोई रोजा रखे ना रखे, आप कोई दीन का ठेकेदार है? अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इसका अजर देता है। जो लोग हर दीन में हर मजहब में हर फिरके में अपने अपने तरीकों से होती है इबादत, हम कौन होते हैं दूसरों की मामलात में टांग लाने वाले हैं? मैं कौन? तो मैं खामखा अपने काम ना काम रख भाई, तेरे से किसी ने पूछा, तुझसे किसी ने मशवरा लिया? और आज मैं आपको बता दूं, ये जो जर्नलिस्ट ताले लेके निकल पड़े हैं, ये जो जर्नलिस्ट आज बोल पड़े हैं, अगर आप कल बोलते हक इंसाफ की बात करते, क्रिकेट बोर्ड के छोटे छोटे मफादात पे ना बिक जाते, अपने जमीर अपनी जबान अपने कलम अपने रूह अपने अपने दिमाग का सौदा ना करते, अपने बसीदा सोच का सौदा ना करते, तो मेरा भाई ये ना होता, ये ना होता, आप उतने ही जिम्मेदार है। वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम दुनिया का, और उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना, एक कंट्रोवर्सी वाली चीज़ क्रिएट करना, जहां माहौल इतना अच्छा जा रहा हो, जहां इंडिया से पाकिस्तान के प्लेयरों की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, इंडिया नहीं हर जगह से दुनिया से तारीफ हो रही है, लेकिन वकार यूनुस ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये जो है बहुत सारे दिलों के दिल तोड़े और फिर से जो है दरारें पैदा कर दी है। तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी, इस तरह की बात बनती नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट इससे और ज़्यादा पीछे हो जाएगी।
और ये है कि आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह की कोई बात करनी चाहिए थी। इंडिया में भी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स की बहुत तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट कि ऑल ऑन द वर्ल्ड तारीफ हो रही है, लेकिन इंडिया में भी तारीफ हो रही है। इंडिया ने तो ऐसा वो नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया इसके ऊपर इतना, ना इस पर कोई बात की कि ठीक है। आई थिंक विकी भाई मुझे बहुत फील हुआ आपकी तरफ से इस तरह का एक स्टेटमेंट आना, आपकी तरह आपके आपके जैसे प्लेयर और एक इंसान की तरफ से इस तरह का एक कॉन्ट्रोवर्सियल होना, आई डोंट बिलीव इट। और ये है मैं ये भी बता देता हूँ कि हमें पता क्या, हमें सिर्फ एक चीज पता है, हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। भाई इंडिया के आगे कोई जहां नहीं है क्या? सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हैं? हम वर्ल्ड कप में तो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया को तो हम जिक्र नहीं करते, तो ऑस्ट्रेलिया तमाशा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, 4-5 पीछे छोड़ दिए हैं ट्विटर के ऊपर, उनका सारा दिन काम है, वो सारा दिन उठते हैं, वो एक एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं, वो एक एक ट्वीट पढ़ते हैं, और उनका सारा दिन काम है कि वो सारा दिन इनडायरेक्ट लोगों को ताने मारते हैं। यानी पुपियां होती है ना जो घर बैठे बैठे बोलती है वो उसकी बेटी ने फलां कर लिया, उसके बेटे ने तो निकम्मा हो गया, बस वो फुप्पो बनना है, सारा दिन फुप्पो वाला काम करते हैं सर, वो सुबह से लेकर शाम तक वो सारा लेटर जमा करते हैं और वो इनडायरेक्ट ताने मारते हैं लोगों को। अरे भाई आप फील्डिंग, आपके मुल्क को यहाँ नुकसान होने जा रहा है, आपकी आप छोड़ दें इंडिया के खिलाफ क्या होगा क्या नहीं होगा, एशिया कप में अगर आपका पास मोमेंटम ना हुआ तो आपके पास वर्ल्ड कप में क्या होगा? जो बाहर बैठे हुए लोग इतने अरसे से चीख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ अंदर बैठे हुए 4-5 लोग जो पीसीबी मीडिया में उनको पता है, या जो टीम में खेल रहे हैं सिर्फ उनको पता है, बाहर बैठा हुआ कोच, बाहर बैठा हुआ एक्स। मुझे एक खिलाड़ी आप सवेरा बता दें, एक्स रोज की बुनियाद पर तुम ये गुफ्तगू करती हो, शाहीन की बात पिछले 1.5 साल से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हर बुनियाद पे हो रही है, तो मुझे एक आदमी, एक एक्स क्रिकेटर या एक एक्सपर्ट बता दो जिसने ये बोला हो कि शाहीन शाह अफरीदी को जितना खिलाया जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सही रहेगा, बताइए। मतलब किसी फॉर्मर ने ये कहा हो, किसी ने डिनाई किया हो, किसी ने डिनाई किया हो कि बकलोट कोई मसला नहीं करेगा, किसी ने डिनाई किया इस बात पे कि? अरे भाई मेरा कहने का मकसद है किसी कोच ने इस फेवर में बात की है कि बिल्कुल शाहीन को खिलाया जा रहा है, सही? किसी कोच ने? हाँ, या किसी एक्सपर्ट ने, किसी एक्स क्रिकेटर ने आज तक कभी पीसीबी के लिए बोला कि बिल्कुल सही कर रहे हैं शाहीन के साथ जिस तरह शाहीन को खिला रहे? हर जो क्रिकेटर आता है वो अगेंस्ट बात करता है, हर एक आदमी अगेंस्ट बात करता है, बहुत जरूरत से ज्यादा वो नहीं, देखें ज्यादा खिला रहे हैं कम खिला रहे हैं ठीक है, कंडीशंस देखें आप, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस पे आप रगड़ा नहीं लगाते अपने जो सुप्रीम बोलर्स होते हैं ना उनको, यू ट्रीट, देखें वंस अ बोलर गेट्स इनटू दैट वीआईपी जोन यू नीड टू ट्रीट हिम लाइक दैट, इफ यू नो दैट ही इज योर वीआईपी बोलर एंड योर बोलिंग डिपेंड्स ऑन हिम, ही गेट्स द प्रिविलेज ऑफ दैट एंड ही डेफिनेटली डज एंड एवरीबॉडी थिंक्स सो कि शाहीन को ऊपर से विकेट ना लेना हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं था तो शायद फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। 28 अगस्त को अगर शुरू में पावर प्ले में आपने रोहित शर्मा और उनको लाइसेंस टू किल पाकिस्तान को दे दिया, इंडिया को दे दिया, तो फिर देयर विल बी नो वे लुकिंग बैक, दे विल पुट अप सच अ बिग स्कोर ऑन पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट आती है। आपको ऊपर की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, सामने वाली टीम के लिए, चाहे वो शाहीन, चाहे इंडिया हो या व्हाटएवर कोई भी टीम हो, हमारा फोकस सिर्फ इंडिया पे अटका हुआ है। दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया वाकर ने इसकी ट्वीट पर उसको निशाना साधा है, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इंडिया की तरफ से तो कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है वाकर यूनिस जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं वाकर यूनिस जैसे लोग वो दो मुँह होते हैं, मतलब एक एक उनका फेस होता है कि वो अच्छा दिखाते हैं और एक जो मतलब उसके अंदर घुसा हुआ फेस होता है वो रियल फेस होता है जो वो ट्वीट दिखा देता है और वो जो T20 वाला स्टेटमेंट दिखा देता है। ये चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले लेकिन उनकी सच्चाई कभी ना कभी बाहर आ जाता है ट्वीट से, उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि ये अंदर से ही ऐसे हैं जो ये तो मतलब क्या बोल सकते हैं। अब मैं रिलीजियस मतलब स्टेटमेंट तो पास करना नहीं चाहता लेकिन ये जो लोग हैं जिस तरह से ये मतलब इंडिया को एक तरह से हेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको रिलीजन से मतलब नफरत है और रिलीजन की वजह से, ना कि खेल की वजह से। खेल में तो भाई कोई भी ये हो जाता है, खेल में इतना ज़्यादा हेट क्यों होगी, लेकिन ये रिलीजन को डायरेक्ट हेट करते हैं। जो वाकर यूनिस से ये आप जानते हैं, तब वो उन्होंने माफ़ी मांगी तो, और माफ़ी किस तरह से मांगी थी, पूरा ईगो के साथ, एटीट्यूड के साथ, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो इस तरह के लोगों को आप मतलब बोल के खुद को मतलब नीचा करना नहीं चाहिए, जैसे नीच लोगों के बारे में बोलकर, और ये लोगों के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इन जैसे लोगों के लिए ही क्रिकेट बदनाम हुआ है। और ये जो मतलब वाकर यूनिस हो गए, कभी कभी उनके बहुत ज़्यादा जावेद में आता, ऐसे करके बहुत ज़्यादा उनके जो पाकिस्तान के वो इंडिया को सख्त नफरत करते हैं एक तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।